वर्ल्ड वॉर 3 मैनू शुरू हुंदा इस वेले दिख रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूएसए ते कई यूरोपियन देशों ने यूक्रेन नू हुण एम्यूनिशन सप्लाई करनी शुरू करती है। इहदा मतलब की है, वह चाहते हैं कि यूक्रेन अपने बलबूते ते रशिया नाल लड़दा रहे। रशिया बहुत स्ट्रोंग है, यूक्रेन नू भी पता है, सारी दुनिया नू पता है, पर यूएस ते होर देश होर स्टॉकपाइल करके वैपन्स की करना चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है या फिर सिर्फ यूक्रेन नू मारन पिछे लगे ने अपने हितां दे लई ताकि रशिया दा नुकसान हो सके। प्रेजिडेंट जो बाइडन ने, यानी कि यूएस ने, अज अनाउंसमेंट की है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने 350 मिलियन डॉलर्स दे होर वैपन्स यूएस तो यूक्रेन भिजवाण का फैसला ले लिया है। फॉरन असिस्टेंस एक्ट के अंडर यह फैसला लिया गया है। तो यह भी दस देवां कि 2 दर्जन तो भी ज़्यादा देशों ने यहोजियां ही अनाउंसमेंट्स करती ने। यूक्रेन जैवलिन एंटी टैंक वैपन्स की मांग करता रहा है, स्टिंगर मिजाइल्स की मांग करता रहा है। ये दोवें पहले तो नाम तो ही समझ आता है, एंटी टैंक यानी कि उन्होंने टैंक्स से हमले करने लिए, तो जिहड़ियां स्टिंगर मिजाइल्स ने आ जिहड़े एयरक्राफ्ट्स हुंदे ने, क्योंकि एयर क्राफ्ट के थ्रू बहुत अटैक हो रहा हवा चो, उन्होंने गिराने लिए वैपन्स मंगे जा रहे हैं। जिहड़े वैपन्स यूएस दे रही है उहदे विच एंटी आर्मर, स्मॉल आर्म्स, बॉडी आर्मर ते होर कई म्यूनिशनज भेजिया जा रही ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन डिफेंडरस के लिए। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि आ जिहड़ा मटीरियल है इहदे विच एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स ते बहुत जोर दिता जा रहा है। यह भी दस्या कि पिछले 1 साल के 1 बिलियन तो ज़्यादा, यानी कि 1 बिलियन डॉलर्स तो ज़्यादा की सिक्योरिटी असिस्टेंस यूक्रेन यूएसए तो लै चुका है। होर देशों का दस दिए, नैदरलैंड ने 200 स्टिंगर एयर डिफेंस रॉकेट्स जिन्हों की असी गल की वो यूक्रेन नू देने हैं। बेल्जियम ने कहा कि 2000 मशीन गन्स ते 3800 टन फ्यूल का यूक्रेन नू दिता जाएगा। जर्मनी ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये या तो बहुत वड्डे पैमाने पर सप्लाई कर रहे हैं वैपन्स, या जर्मनी की गल कर जा रहे हैं जिदी बहुत सालों तो पॉलिसी रही है कि जेडे भी थां ते वॉर जोन होएगा या वॉर वर्गी कंडीशन होएगी उन्हूं ये वैपन्स एक्सपोर्ट नहीं करनगे। उन्होंने भी 400 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, 1000 एंटी टैंक वैपन्स ते 500 स्टिंगर मिसाइल्स यूक्रेन नूं देण दा फैसला करता है। फ्रांस ने भी नाल दी नाल यही कहा कि असीं डिफेंसिव मिलिट्री इक्विपमेंट देवांगे। मेरा एक बार फिर सवाल है कि ये वर्ल्ड वॉर शुरू होण दा सी मतलब समझिए, जदों एक वड्डा देश उस वेले जर्मनी सीगा ते उहदे सामने होर कई देश कट्ठे होकर एक देश की मदद करते हैं उहदे नाल लड़न लई, शुरुआत तो एवें ही हुंदी है। हुण रशिया इहदा जवाब की दिंदा उह देखना पएगा। रशिया ने हुण तक बहुत क्लीयरली कहा सीगा कि असी यूक्रेन नू इनवेड करके उहदी ऑक्यूपेशन करके असी उहनू अपने नाल रलाना नहीं चाहते, असी सिर्फ तख्ता पलट करना चाहते हाँ क्योंकि नाटो ते यूएस नू असी काउंटर करना चाहते हाँ। हुण तक मैनू लग्या सीगा कि नाटो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, शरेआम कह रहा है कि नाटो यूक्रेन की मदद नहीं करेगा क्योंकि यूक्रेन उहदा पार्ट नहीं है। यही मंग रशिया करता रहा है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट ना बने, क्योंकि इहदा मतलब होएगा कि रशिया के दर से सारे इहो जिहे वड्डे वड्डे वैपन सारी दुनिया के आ जाएंगे। हुण नाटो दे वल्लों हैल्प ना करके यूक्रेन च अपने वैपन्स देना ते उहदे पब्लिकली अनाउंसमेंट करना, यानी कि रशिया नू वी इह पता लगेगा, ये मेरे हिसाब नाल बहुत ही रिस्की ते खतरे नाल भरिया होया स्टैप है। रिपोर्ट्स आ रही ने बहुत ज़्यादा शहरां विच हुण स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो गई है। कीव तो यह शुरुआत हुई सी जदों यूक्रेन दे इस वेले दे प्रेजिडेंट जेलेंसकी ने लोगों को अपील की सी, तो खबरें यह भी आई सी कि लोगों को वैपन्स वंडे गए हैं कि तुसी आप अपने शहर नू प्रोटेक्ट करो। मैनू वैसे भी लग्या सीगा, असी कल भी 2 ब्रिगेडियर्स नाल डिस्कशन जिहड़ी कीती उह भी कह रहे सीगे कि प्राइमरी रिस्पोंसिबिलिटी ये हुंदी है कि आम नागरिक जो ट्रेनड नहीं है वॉरफेयर च उन्हां नू बचाया जावे, लेकिन आम नागरिक अनट्रेनड लोगों नू तुसी अगे भेज रहे हो रशियन ट्रूप्स दे, उह तां सुसाइड मिशन है। एक बार दोबारा किया जा रहा है, हुण खारकिव विच जदों स्ट्रीट बैटल्स की खबर आ रही है उहदा भी मतलब यही है कि या यूक्रेन दीआं फौजां लड़ रहीआं ने या स्ट्रीट विच लोग अगे आके लड़ रहे ने। इह तां बहुत ही गलत गल है। यूक्रेन की ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर हुण तक बहुत ज़्यादा नहीं सी, पिछले 7-8 सालों तो क्रीमिया की एनेक्शर तो बाद 14,000 मौत यूक्रेन हुई सीगा कहा जा रहा है, प्रो रशियन ते एंटी रशियन लोगों के झड़पां दे नाल सिविल वॉर वर्गी सिचुएशन सी। हुण पिछले 3 दिनों च जदों दा रशिया आया है यूक्रेन भी जदों दी इनवेजन चल रही है, बहुत ज़्यादा आम नागरिकां दी मौत की खबर नहीं सी आ रही जो हुण आनियां शुरू हो गई ने।
अज की वीडियोज़ यहोजी आ रही ने कि रेजिडेंशियल एरिया अटैक होया जो पिछले तीन दिन नहीं सी होया। यूक्रेन नू देखना पएगा कि रशिया जे तुहाडे आम नागरिकां नू नुकसान नहीं सी पहुँचा रहा, जो एक शायद एथिक कह सकते हो तुसी वॉरफेयर दा, तुसी लोकां नू जदों अगे भेजोगे लड़न तां रशिया भी फिर नहीं उहनां नू बख्शेगा। शायद ये उम्मीद हो सकती है, इमोशनली चार्ज हो सकते हो कि असी अपने देश को प्रोटेक्ट करांगे, पर यह तरीका गलत है। गलत है तरीका यूक्रेन का, प्रेजिडेंट का यह कहना कि लोग अगे जाण, ते हुण वैस्टर्न देशों का इस तरह वैपनस भेजना, इस वॉर नूं होर एसकलेट करना। असी कल भी एक्सपर्ट्स नाल, डिफेंस एक्सपर्ट्स नाल गल कर रहे सीगे कि एक बैकडोर कम्यूनीकेशन जिहदी हुण भी गल हो रही सीगी, इह भी तुहानूं दस दवां, बेलारूस च गलबात की इनविटेशन भेजा गया से, पर यूक्रेन ने वो ठुकराता, जो मैं लगता सही है, क्योंकि बेलारूस रशिया की पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। रशियन ट्रूप्स ईवन बेलारूस चो नॉर्थ में आई, जितों कीव यानी कि राजधानी में पहुंचिया ने। सो यह गल ठीक है, यूक्रेन कह रहा है यहोजे देश बह के गल नहीं होएगी जिहड़ा रशिया की साइड लै रहा है, लेकिन यहोजे चैनल्स की होर मदद करना या यहोजे चैनल्स होर क्रिएट करने जो काम होना चाहिए यूएस का बाकी वड्डे देशों का, वो करन दी बजाए ये इस वॉर नू होर फ्यूल दे रहे ने, ये बलदी च होर तेल पाउण वाला काम कर रहे ने, जो बहुत गलत है। इस तो बचन की लोड़ है। उम्मीद करिए थोड़ी सेंस प्रिवेल करे, कुछ होर देश यूएन या कोई होर वड्डे देश विच आउण ते आ कहण कि आ गलत है, इस वॉर नू डीएसकलेट करन दी लोड़ है, च होर वैपनस दे के होर एसकलेट करन दी लोड़ नहीं है। यूक्रेन दा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रहा है, यूक्रेन तो बाहर भी निकल सकदा है जे इस तरह के काम किए जाणगे। मैनू लग रहा है यूक्रेन दे मोढ़े तो हुण यूएस या वैसट दे देश फायरिंग करन दी कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बहुत रीयल है, उम्मीद करते हैं वो ना होवे, पर यहोजी सारी अपडेट्स ते एक्सप्लेनर्स लई इंटरप्रिटेशन दे लई देखते रहो पंजाब टुडे। सत श्री अकाल।